पूरा इधर भी कैसे बनाई गई, पूरा बहुत ही तरह तरह की पेंटिंग। ऋषि मुनियों की भी मूर्तियां बनाई गई हैं। यहाँ पे हमारी माताएं हैं, ये फूल वाटिका वाली ये तस्वीरें है माता सीता की, ये और उनकी सहेलियां सारी हैं जो मतलब जाती थी वहाँ पे बाग में। भाई लोग देख रहे हो यार, इधर ये देखिए, यहाँ पे शूर्पणखा की नाक कटी है भाई, जब लक्ष्मण जी ने नाक काटा था शूर्पणखा की। और इधर देख रहे हो भाई, प्रभु श्री राम अपने मुस्कुरा रहे हैं इधर। ये है मम्मा हमारी। अंकल जी यहाँ पर लमसम कितनी मूर्तियाँ बनाई जाएंगी, टोटल कोई अनुमान है आपके पास? देखिए, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का? आई होप कि आप सभी का हाल चाल बढ़िया होगा। फिलहाल दोस्तों इस टाइम मैं दोस्तों अयोध्या में ही हूँ, आप सभी लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखा होगा। सो चलिए दोस्तों, आज की वीडियोस में मैं आप सभी को राम मंदिर कार्यशाला में लेके चलने वाला हूँ, जो दोस्तों 2024 में प्रभु श्री राम का मंदिर हमारे अयोध्या में बन रहा है। उसी की दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे पत्थरों में दोस्तों तरह तरह की डिजाइनें हो रही हैं, और हमारे देश के बहुत सारे कोने कोने से दोस्तों यहाँ पे तरह तरह के मूर्तिकार आए हुए हैं, जो अपने हाथों से दोस्तों यहाँ पे अच्छे अच्छे से पत्थरों में डिजाइन कर रहे हैं और सजा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग वीडियोस में एंड तक बने रहिएगा, और आप सभी लोग अगर दोस्तों वीडियो को अभी तक हमारी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग वीडियोस का पूरा एंजॉय लीजिए, और मैं आप सभी को एक एक पत्थर करके दिखाता हूँ। इस साइड देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे पत्थरों में डिजाइन की गई है, उसके बाद फिर इस साइड देख रहे हो दोस्तों, कितनी महीन महीन डिजाइने करके दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पत्थर रखे गए हैं। फिर इस साइड मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों इधर भी बहुत सारे पत्थर हैं, कितने ढेर सारे पत्थर रखेंगे भाई ये। यहाँ पे देख रहे हो भाई इधर कैसे दोस्तों पूरा महीन महीन पूरा दोस्तों एक एक छोटी छोटी डिजाइनें दोस्तों की गई हैं, और इधर दोस्तों ऐसे दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे पत्थर इसी तरह से रखे गए हैं। फिलहाल चलिए हम लोग इधर ही आगे चलते हैं और आगे आप सभी को दिखाते हैं। अभी आगे दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, जो दोस्तों मूर्तिकार लोग अपने हाथों से भी दोस्तों आगे डिजाइन भी बना रहे हैं। पूरा मैं दोस्तों आप सभी को ये कार्यशाला की पूरी दोस्तों अच्छे से अभी मैं दिखाने वाला हूँ पूरा। यहाँ पे दोस्तों बहुत तरह तरह की डिजाइने इधर ही दोस्तों की जा रही है। इधर देखिए दोस्तों, वो वहाँ पे एक मूर्तिकार वो लेटे हुए हैं। फिर इस साइड देखिए दोस्तों, इधर भी एक अंकल है इधर, फिर इधर भी दोस्तों, चारों साइड पूरा ये दोस्तों काफी बड़ी कार्यशाला है। चलो भाई मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि पत्थर में डिजाइन दोस्तों कैसे किया जाता है। इस साइड देख लो भाई, यहाँ पे डिजाइन किया जाता है। इधर भी भाई दोस्तों बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। देखो इधर अंकल जी सो रहे हैं अभी। अंकल जी ये काम अभी कब तक स्टार्ट होगा? फिर से वो वाला होने वाला है ना? ठीक ठीक, अभी भाई आधा घंटा लगेगा। फिलहाल इधर चल रहे हैं भाई, यहाँ पे देख लो भाई ये ग्राइंडर रखा गया मशीन, इसी से काम किया जाता है। क्यों ना अंकल जी, ये काम अभी कब से स्टार्ट होगा, कितनी देर में होने वाला है ना? क्यों ना भाई, तुम यार सो रहे हो? आप कहाँ के रहने वाले हो? राजस्थान से हो? ये भाई पत्थर कहाँ से आता है? सारा राजस्थान से आ रहा है। कौन सा पत्थर इसे बोलते हैं? कौन सा? मंचीपाल पत्थर। यहाँ पे यार कहाँ कहाँ के आदमी काम करते हैं? बहुत दूर दूर से आए ना सर लोग? आप अकेले हो और कोई है आपके साथ टीम वाले? अच्छा, बहुत आदमी है। चलो ठीक है भाई, हम घूमते थोड़ा है। चलो फिर यार भाई लोग हम लोग घूम रहे हैं धीरे धीरे। इधर देखो ये भाई काम करता था, फिर इधर देखो भाई यहाँ पे पत्थर ये दोस्तों छोटी छोटी डिजाइन की जा रही है अभी। यहाँ पे इधर भी है, उसके बाद फिर इधर दोस्तों कुछ पत्थरों में भी डिजाइन किया जा रहा है। फिर इधर दोस्तों किरा रखा है, इसी से दोस्तों पत्थर को उठा के इधर उधर किया जाता है, रखा जाता है सारा। भाई सब देख रहे हो यार, इधर इतनी बड़ी मशीन लगी गई, इसी से दोस्तों पत्थर की कटाई की जाती है यहाँ पे ला करके। फिर इधर देखिए दोस्तों, ये पूरा लकड़ी का इसे बनाया गया है, इसी से दोस्तों यहाँ पे आगे पीछे करके ये दोस्तों लगाया रहा मशीन की तरह, सेम है दोस्तों जो लकड़ी काटता है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर राम मंदिर की दोस्तों कार्य दोस्तों बहुत ही तेजी चल रहा है, 2024 तक श्योर कम्प्लीट हो जाएगा बन करके। आप सभी लोग एक बार जरूर आइएगा यार अयोध्या घूमने के लिए। अभी भी देखिए भाई, यहाँ पर भी देख रहे हो भाई, कितने महीन हाथों से अपने हाथों से भाई सब सारी डिजाइन बनाई गई है। देख लो यार, पूरा बहुत ही खूबसूरत है यार, तरह तरह की डिजाइन बनाई गई है भाई। इधर पूरे सारे इधर सामने भी है। चलिए हम और आगे चलते रहते हैं और फिर आप सभी को दिखाता हूँ। इधर इधर की डिजाइन देखो, ये कैसा दिख रहा है भाई, पूरा महीन महीन बनाया गया है। देख लो भाई, पूरा अपने हाथों से। उसके बाद फिर इधर भी सारी डिजाइन रखी गई। अब हम लोग चले इधर ही ऐसे चलते रहते हैं धीरे धीरे। देख रहे हो भाई, वहाँ पर भी कुछ सारा पत्थर रखा गया। फिर इधर देख रहे हो भाई, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी एक मूर्ति बनाकर ब्लैक कलर की, ये दोस्तों भोलेनाथ की है इधर। फिर उस साइड देख लो भाई, उधर भी पत्थर है बहुत सारा। यहाँ पे कोल्ड वाटर की पानी का मशीन भी लगा है, पी सकते हो। इधर भी पत्थर रखा गया सारा। इधर देखो एक अंकल जी घूम रहे। अंकल जी आप कहाँ से आए हो? बिहार के हैं, लखनऊ में भी मकान है, बिहार में भी। मतलब उतनी दूर से यहाँ सिर्फ पत्थर देखने के लिए ऐसे आए थे ना मंदिर? मेरे बड़े भाई साधु हैं तो उनसे मिलना भी है। अच्छा, यहाँ पे रहते हैं वो? हाँ।
तभी उतनी दूर से आए? लखनऊ से आए हैं हम तो 3 घंटे। चलो ठीक है अंकल जी, मंदिर जब बन जाएगा तब आना एक बार दोबारा फिर से 2024 के आसपास। मालूम है हम तो, यहाँ तो हर महीने हम भाई रहते हैं तो आप ही रहते हैं। हर महीने आते रहते हो? हमारा तो घर ही मतलब समझो कि लखनऊ में है ना, लखनऊ से 3 घंटा लगता है। जी जी चलो फिर यार भाई लोग, यार यहाँ पे यार सिर्फ मंदिर जो दोस्तों बनाया जाएगा उसकी दोस्तों पत्थरों की यहाँ पे सिर्फ डिजाइन की जा रही है। यहाँ से दोस्तों थोड़ी दूर है अभी राम सेवकपुरम, वहाँ पे हम चलेंगे। वहाँ पे चलने के बाद दोस्तों वहाँ पे जो है मूर्तियाँ बनाई जाती हैं तरह तरह की, अपने हाथों से कलम मूर्तिकार लोग डिजाइन करते हैं। चलिए हम चलते हैं वहाँ पे, आप सभी को पहले मूर्तियाँ दिखाते हैं कि मूर्तियों में कैसे कैसे डिजाइन की गई है। यहाँ से थोड़ी दूर है, चलते हैं वहाँ। तो यार भाई लोग हम आ गए यार राम सेवकपुरम, ये दोस्तों कार्यशाला है, यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। चलिए आप सभी को अभी यहाँ दिखाते हैं यहाँ पे मूर्ति कहाँ है भाई। यहाँ पे मूर्ति भी बन रही है जो कि दोस्तों भगवान श्री राम की, और बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं, यहीं पे बनती हैं। और इधर भी देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर भी पत्थर बहुत सारे हैं, देख रहे हो छोटी छोटी दोस्तों यहाँ पर भी डिजाइनें की गई हैं, बहुत ढेर सारे पत्थर हैं इधर भी। ये भी कार्यशाला दोस्तों बहुत बड़ी है, वहाँ से लेके पूरा वहाँ तक पूरा बड़ा ही है पूरा कार्यशाला ये। फिर आज चलिए दोस्तों इधर एक भाई बैठे हुए, चलिए इनसे बात करते हैं, देखते हैं कैसे क्या ये बताते हैं। फिर इधर भी देख रहे हो भाई, यहाँ पे छोटे छोटे डिजाइन की गई कुछ इस तरह से, बहुत ही शानदार। उसके बाद फिर इधर देख रहे हो भाई, ये छोटे छोटे हथियार रखे गए हैं इन लोगों के, जो ये लोग अब राम से बनाते हैं। फिर इधर एक भाई देख रहे हो भाई, ये भाई साहब इधर बैठे हैं। भाई साहब ये कार्य कब इससे स्टार्ट करोगे अभी तुम लोग? अब दीपावली के बाद से। अभी इस टाइम कार्य बंद है? मतलब कोई काम अब नहीं हो रहा इस टाइम? अभी तो हो रहा है। तो जैसे आप लोग इसको बना रहे हो अभी स्टार्ट करोगे थोड़ी देर बाद ना, और अकेले बना रहे हो और कोई है? अकेला हूं, उधर ना हूं। अच्छा आपका नाम क्या है भाई? पंकज। आप कहाँ के रहने वाले? मुरैना। मुरैना मतलब? ग्वालियर के मुरैना। राजस्थान के? एमपी। एमपी में पड़ता है ग्वालियर। चलो ठीक है भाई, चलते हम घूमते हैं थोड़ा यहाँ पे। भाई यार एक चीज मेरे को बता दो यार, जो मतलब मूर्तियां बन रही है भगवान श्री राम की और ढेर सारी, वो किधर है? वो जो राम कथा कुंज है ना, उसमें। चलो ठीक है हम चलते हैं भाई। ये भाई ने मेरे को सही सजेस्ट किया यार कि ये मूर्तियां यहाँ पे भाई, अभी पत्थर की कार्य आज तो चल रहा है फिलहाल, लेकिन अब जल्द ही यहाँ पे स्टॉप किया जाएगा क्योंकि दीपावली के बाद फिर से ये लोग भी अपने घर जाएंगे। क्यों ना भाई, आप अपने घर जाओगे सारे लोग ना? क्योंकि दोस्तों दीपावली जो है यह दोस्तों हिंदुओं का बहुत ही पवित्र त्यौहार है, इसीलिए यहाँ के दोस्तों जितने भी सारे कारीगर लोग हैं ये सारे लोग भी अपने दोस्तों घर जाएंगे। आइए हम आप सभी को इधर भी दिखा देते हैं, यहाँ पर भी दोस्तों सेम दोस्तों जिस तरह से मैंने उस कार्यशाला में आपको दिखाया, वहाँ पर भी दोस्तों पत्थरों की डिजाइन की जाती थी, लेकिन यहाँ पर भी की जा रही है। देख रहे हो भाई कुछ इस तरह से दोस्तों बहुत ही शानदार डिजाइन की जा रही है। देख रहे हो भाई पूरा यहाँ पे कैसे इसे बनाया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो भाई, पत्थर पे नंबर भी पड़ा गया है, सारे पत्थरों पे नंबर डाला गया है। हमने ये मेरे दिख रहा है भाई राम कथा कुंज। चलिए दोस्तों इसके अंदर चलते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं इसके अंदर में मूर्तियां बहुत सारी बनाई गई हैं। अंकल जी आप यहाँ पे अकेले हो? आज तक अकेले हैं। आज तक रहोगे मतलब? फिर उसके बाद हमारा लड़का है। मतलब आप कहाँ के रहने वाले हो? असम के। क्या नाम है आपका अंकल? नारायण चंद्र मंगल। अच्छा आप कितने दिन से यहाँ पे काम कर रहे हो? हमारा तो 15 से आया हम। 15 से यहाँ पे आए हो? चलो ठीक है, और बढ़िया हो ना भाई। देख रहे हो भाई यहाँ पे हमारे सामने दोस्तों बजरंग बली की दोस्तों बहुत ही शानदार मूर्ति बनाई गई, जो कि दोस्तों यहाँ कलर पेंटिंग भी हुआ है। फिर इधर देख रहे हो दोस्तों यहाँ पे तमाम दोस्तों ऋषि मुनियों की भी मूर्तियां बनाई गई हैं। इस साइड देख रहे हो मुनि जी अपने कमंडल दे रहे हैं। फिर इस साइड भी देख रहे हो दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग की दोस्तों पूरी पेंटिंग यहाँ पे पूरा क्लियरली की गई। फिर इधर देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारी माताएं हैं जो दोस्तों देख रहे हो तरह तरह की, इधर भी बहुत सारी पेंटिंग है। फिर इस साइड भी दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारी कुछ पेंटिंग ऐसी भी हैं जो दोस्तों अभी कलर नहीं हुई, सारी दोस्तों डिजाइनिंग हो गई है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये देखिए प्रभु श्री राम, और इधर फिर लक्ष्मण जी सीता, ये सारे तीनों लोगों की इधर मूर्ति है। फिर इधर भी दिखाते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर भी है प्रभु श्री राम, देखिए आगे हैं, इधर बीच में सीता माता हैं, फिर इधर लक्ष्मण, फिर इसके बाद इधर देख रहे हो भाई ये केवट हैं जो कि दोस्तों इनके पैर को धुल रहे हैं। इसी तरह से चलिए हम धीरे धीरे अंदर की साइड चलते हैं और मैं आप सभी को सारी मूर्तियों को दिखाता हूँ। देख रहे हो भाई इधर भी सारी दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई। देख रहे हो भाई इधर भी प्रभु श्री राम जी अपने, उसके बाद इधर भी चारों साइड भाई यहाँ पे सिर्फ देखोगे, इधर भी देख रहे हो भाई सीता जी जो रामचंद्र के साथ जो भेंट हुए थे पहले पहले, ये वाली मूर्ति है शादी वादी के पहले। हाँ शादी के पहले प्रभु श्री राम की जब शादी हुई थी उसके पहले की, फूलवाटिका में जब आए थे। हाँ हाँ तो उही में रामचंद्र के साथ भेंट हुए थे। तो अच्छा ये फूलवाटिका वाली ये तस्वीर है माता सीता की? हाँ। ये और उनकी सहेलियां सारी हैं जो मतलब जाती थी वहाँ पे बाग में।
फिर इधर देखिए दोस्तों, ये जनक जी की मूर्ति है। जब जनक जी अपने खेत में मतलब जुताई कर रहे थे, जब सीता माता को जब घड़ा में मिली थी ना, वो वाला यहाँ का क्लियर सीन है। अच्छा, घड़ा भी अब आप लोग नहीं बने, उसको भी बनाओगे? अच्छा, फिर इधर इस साइड भी दोस्तों देख रहे हो, इधर भी अहिल्ला उद्धार। कौन सा? ये अहिल्ला, अहिल्ला उद्धार। अच्छा, ये भाई लोग देख रहे हो भाई, इधर ये पूरी मूर्ति जो है अहिल्ला उद्धार है, जो मतलब पत्थर बन गई थी रामायण में, आप सभी लोगों ने देखा था, प्रभु श्री राम जी ने अपने पैरों से टच करके इनको फिर से मुक्ति किया था, वही है ना सेम। तो भाई लोग, यहाँ पे जब विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे, उसके बाद जब बाणासुर आया था, उसको प्रभु श्री राम जी ने मारा था, तब ये दोस्तों इधर उधर पेंटिंग है। फिर उसके बाद इधर जो है भाई लोग, ये पूरा उनका बचपन का सीन है, जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तीनों चारों लोग खेलते थे साथ में ना, उसकी ये तस्वीर है दोस्तों। ये किसको मारा था? ये ताड़कासुर है ना, इनको जो ताड़का है। इधर भी भाई देख रहे हो यार, यहाँ पे ताड़कासुर को जो प्रभु श्री राम ने मारा था भाई, रामायण में बहुत बड़ी थी यार ताड़कासुर, एग्जैक्टली हमने देखा था। लेकिन यहाँ पे भाई देख रहे हो यार, पूरा सारी दोस्तों यहाँ पे मैं बता रहा, पूरे अपने रामायण की कथा की दोस्तों जितने भी करेक्टर सारे पार्ट थे, सारी मूर्तियां बनाई गई है। शिक्षा दे रहे थे। अच्छा, यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रभु श्री राम जी जब बचपन में शिक्षा ले रहे थे, उनके गुरु जी दोस्तों यहाँ पर है। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ये भी तो वही प्रभु श्री राम जी की मूर्ति है ना, माता जी के साथ गोद में खेल रहे हैं, ये उनकी बचपन की तस्वीरें सारे। फिर इधर भी देखो दोस्तों, ये भगवान विष्णु की मूर्ति है ना, हाँ, तो भगवान विष्णु जी हैं। उसके बाद फिर ये नीचे किसकी मूर्ति है? नीचे है रामचंद्र की, यही भेष में आए थे। हाँ, तब भोग लगाए थे तो आपने लड्डू खा रहे थे, अपने लड्डू खा रहे थे भोग लगा कर। दिखाया भी ये सारी इधर कलर पेंटिंग है, अभी कलर में बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगी, बट लेकिन दोस्तों कुछ मूर्तियों को कलरफुल भी किया गया है यहाँ पर। इधर बजरंगबली की है, तरह तरह की बहुत सारी दोस्तों मूर्ति बनाई गई हैं। लेकिन जब दोस्तों ये पूरी मूर्तियाँ कलरफुल कर दी जाएंगी, उसके बाद इन मूर्ति के नीचे मतलब कौन से देवी देवता उन लोगों का नाम भी लिखा जाएगा। अंकल जी, यहाँ पर लमसम कितनी मूर्तियाँ बनाई जाएंगी, टोटल कोई अनुमान है आपके पास? देखिए, आपका राज्य माने उत्तराष्ट्रीय जगह से, हाँ, आपका राज्याभिषेक तक हम लोग बनाना है, कोशिश करना है, मतलब उनके जन्म स्थल होकर और राज्याभिषेक। अच्छा, जब वनवास से वापिस आए थे अयोध्या में, तब तक बनाओगे पूरा डिटेल्स? हाँ। ये सारी मूर्तियाँ प्रभु श्री राम के मंदिर में सजाई जाएंगी तरह तरह से लगा लगा कर। ये कौन है अंकल जी? ये इधर ये पिताजी है। हाँ, ये सती अनुसुईया और ये वस्त्र दे रहे हैं। अच्छा, माता सीता को जब वस्त्र दे रही थी सती अनुसुईया, तब की ये पेंटिंग है? हाँ, अच्छा, ये प्रभु श्री राम, इधर माता सीता और ये शुभनखा है, और इधर लक्ष्मण जी जब उसकी नाक काटने के लिए निकले थे। हाँ, कट गया भाई लोग देख रहे हो यार, इधर ये देखिए, यहाँ पे शुभनखा की नाक कटी है भाई, जब लक्ष्मण जी ने नाक काटा था शुभनखा की। और इधर देख रहे हो भाई, प्रभु श्री राम अपने मुस्कुरा रहे हैं इधर, और इधर माता सीता जी हैं। ये है मामा मारीच। इधर फिर देखो अंकल जी, ये मामा मारीच हैं, जब हिरण का भेष बनाकर गए थे, जब प्रभु श्री राम ने मारा था इनके बाण, तो उसके बाद ये अपने होश में आए थे, फिर उन्होंने अपना पूरा डिटेल्स में बताया था। सभी लोगों ने ये चीज रामायण में देखा होगा दोस्तों, ये पूरा दोस्तों सेम, मैं आप सभी को यही बता रहा भाई कि पूरा सेम ये पूरा रामायण का पार्ट ही दोस्तों, यहाँ पे अच्छी अच्छी मूर्तियां बना करके, अगर दोस्तों जब राम मंदिर बन जाएगा वहां पे जाएंगे ना, पूरा एकदम अच्छे से फील हो जाएगा वो सारी चीजें। और ये सारी मूर्तियां दोस्तों बनाई जा रही हैं पूरा प्योर सीमेंट की, इसके अंदर में लोहे भी डाले जा रहे हैं बहुत तरह तरह के, क्यों ना अंकल जी? ये लोखन की इसी तरह से सारी और ये डाल करके बहुत ही मजबूती से बनाया जा रहा है भाई। ये पूरा बनकर जब कंप्लीट होगा, तब आप लोग चाहे जहाँ भी से होइएगा, एक बार जरूर आइए दोस्तों अयोध्या में, प्रभु श्री राम का दर्शन कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जटायु की और बहुत सारी दोस्तों अभी मूर्तियां यहाँ पे बनाई जा रही है, अभी काम पूरा चल ही रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पर यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप सभी लोगों का अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे जल्द ही एक न्यू एंड नेक्स्ट वीडियो में।